हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं, हर लाइव का मतलब तमाशा नहीं। खबर का मतलब भरोसा, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी है। तेलंगाना का पहला हिंदी न्यूज चैनल द न्यूज इंडिया। आगर जिले के बड़ौत तहसील के ग्राम सुदवास में ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत रैली निकाली गई, जिसमें लोगों को मतदान करने व अपने मत की शक्ति के बारे में जानकारी दी। इस मतदाता जागरूकता रैली में समिति अध्यक्ष दिलीप कुमार गहलोत, ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक कमलेश कारपेंटर, जितेंद्र सिंह ब्रजमोहन, आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व स्कूली बच्चे उपस्थित थे। द न्यूज इंडिया आगर मालवा से माखन पाटीदार की रिपोर्ट। गंज बासुदा में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी एवं निर्वाचन विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत आज लाल परेड ग्राउंड पर स्कूल के उन विद्यार्थियों को मतदान की शपथ दिलाई गई जो इस साल 18 वर्ष के हो रहे हैं और उनको मतदान करना है। रिटर्निंग अधिकारी SDM प्रकाश नायक, जनपद पंचायत CEO विशाल सोनी द्वारा बच्चों को शपथ दिलाई गई। बड़ी संख्या में स्कूल के विद्यार्थी लाल परेड ग्राउंड पर मौजूद रहे। इसी के साथ अन्य विद्यालयों के छात्र छात्राओं को मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मतदान की शपथ दिलाई गई। न्यूज एक्सप्रेस के लिए गंज बासोदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट। और इसमें ये भी ध्यान दे रहे हैं कि जो पिछले विधानसभा में जिन मतदान केंद्रों में मतदान का प्रतिशत कम है, उन मतदान केंद्रों पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। हमारी कोशिश है कि जो महिला मतदाता हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें, और जो नए मतदाता युवा मतदाता हैं उन पर भी हमारा फोकस रहेगा कि अधिक से अधिक लोग मतदान करने के लिए हैं। सर, जितने भी वोटर्स हैं शहर के, ग्रामीण क्षेत्र के, इनों को हम अवेयर कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बार मतदान किया जाए। कहीं भी ऐसी जगह हैं जहाँ जहाँ पिछले विधानसभा चुनाव में मतदान कम हुआ था या कम प्रतिशत में था, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्वीप एक्टिविटी वहाँ पे करा रहे हैं जिससे कि मतदान प्रतिशत बढ़े वहाँ पे। और इसी परिपेक्ष में आज भी ये सिवनी मालवा नगर के मुख्य मार्गों पर होशंगाबाद की ओर से रेत लेकर आ रहे ओवरलोड डंपरों को पुलिस और राजस्व के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाकर देर रात पकड़ाए डंपरों को थाने में खड़ा करवाया गया। थाना प्रभारी अजय तिवारी ने बताया कि क्षमता से अधिक रेत लेकर आ रहे डंपरों को जब्त किया गया। डंपरों की जांच की गई तो रॉयल्टी तो मिली, लेकिन उनमें रेत अधिक पाई गई। सभी डंपरों को सिवनी मालवा थाने में खड़ा करवाया गया। आगामी कार्यवाही के लिए खनिज विभाग को सूचना दी गई। इस कार्यवाही में SDM रविशंकर राय, तहसीलदार दिनेश सांवले, नायब तहसीलदार दिनेश पटेल सहित अन्य शामिल थे। सिवनी मालवा से शशिकांत शर्मा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का 29 और 30 अक्टूबर को मालवा और निमाड़ में आगमन होगा। इस दौरान वे आम सभाओं को भी संबोधित करेंगे। राहुल गांधी के आगमन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता तैयारियों में जुट गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन को लेकर कांग्रेस कमेटी ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें मालवा निमाड़ के प्रभारी मथुरादास जोशी, कसरावद विधानसभा विधायक सचिन यादव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष झूमा सोलंकी, धूलकोट विधायक विजय सोलंकी एवं रवि जोशी सहित कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे। बैठक में पधारे मालवा निमाड़ के प्रभारी मथुरादास जोशी ने कहा कि खरगोन की आमसभा ऐतिहासिक होगी और हमारा लक्ष्य 3 लाख लोगों को कार्यक्रम में लाकर सार्थक बनाने का है। खरगोन से नौशाद खान की रिपोर्ट। में सारा फायदा और फिर उसके बाद हमारा जो वर्किंग कमेटी होती है CWC होती है वो तय करेगी और 1 तारीख तक हम उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। टिकट की उम्मीदवार ऐसे लोग भी कर रहे हैं जो कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य भी नहीं है, इसी ने तो स्क्रीनिंग कमेटी होती है कि किसने उम्मीदवार की है और उसका क्या चरित्र है या किस तरीके का व्यक्ति है, तो ये सब स्क्रीनिंग कमेटी तय करती है, उन्होंने तय कर दिया। ट्रक में क्षमता से अधिक माल भरने वाले ट्रक चालकों पर कार्यवाही करने के उद्देश्य से खरगोन ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष ने एक पहल शुरू की और क्षमता से अधिक माल भरने वाले ट्रकों पर कार्यवाही करवाई। ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष आरिफ खान ने आज खरगोन अनाज मंडी में एक ओवरलोड ट्रक को रोका और ट्रैफिक पुलिस को अवगत कराया। ट्रक वजन किया गया तो ट्रक से क्षमता से अधिक माल पाया गया। बहरहाल ट्रैफिक पुलिस ने ट्रक को जब्त कर पुलिस चौकी पहुंचाया। यातायात प्रभारी मुकेश हैरी ने बताया कि ट्रक में ओवरलोडिंग माल भराने की सूचना मिली थी, इसलिए ट्रक को जब्त किया गया। अब ट्रक को RTO पेश किया जाएगा और RTO द्वारा कार्यवाही की जाएगी।
खरगोन से नौशाद खान की रिपोर्ट। ये हम ट्रांसपोर्टर बताता है और गाड़ी वाले जाने, हम तो माल भरने वाले हैं। लेकिन एक जो शासन ने निर्धारित करा है कि नियम अनुसार, शासन ने निर्धारित किया है, ये तो ट्रांसपोर्टर के ऊपर निर्भर है और गाड़ी वाले पे निर्भर है ना सर। हमको नहीं मालूम कि आपका किराया कि इन्होंने माल भरा। ये क्या है कि मेला वगैरह देने के बाद में गाड़ियां पुलिस थानों से छूट जाती है, वो प्रशासन इस ओर ध्यान दे नहीं रहा है। अगर खुदा ना करता कुछ एक्सीडेंट होता है, जान माल की नुकसानी होती है, तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि खरगोन से गाड़ी अंडर लोड चले। कितने टन जाना चाहिए कम से कम? इस गाड़ी के अंदर 19 टन जाना चाहिए, ये 25 से 30 टन के लगभग वजन भरा हुआ है। खारेगांव पुलिस की सक्रियता से अंधे कत्ल का पर्दाफाश हुआ। आपको बता दें कि मात्र 2000 रुपए के लेनदेन के विवाद पे दो युवकों ने मिलकर दो युवकों की हत्या कर दी, जिन्हें पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की। खादेगांव थाना प्रभारी सज्जन सिंह मुकादे ने बताया कि 19 अक्टूबर को दिलीप अग्रवाल एवं उसका साथी असलम खान निवासी गोपालपुर गल्ला खरीदने के लिए ग्राम बचकाल की ओर गए थे। दोनों युवक घर नहीं पहुंचे, जिसके बाद दिलीप का शव मिला और उसके साथी असलम का भी कोई पता नहीं चल पाया। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक अंशुमन सिंह ने खादेगांव एवं कन्नौत की टीम को गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसके बाद 23 अक्टूबर को असलम खान का शव भी समीप ग्राम पिपलिया के बीच में एक बोरे में मिला। पुलिस ने घटना के पूर्व मोबाइल पर अंतिम बार कॉल करने वाले व्यक्तियों को बुलवाकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि पुलिस को गुमराह करने के लिए एक शव को बोरे में बंद कर पिपलिया नाले के पास फेंक दिया एवं दिलीप के शव को खल के पास किसी किसान के खेत के गांव में फेंक दिया। घटना के मुख्य आरोपी रामकिशोर कलोता एवं राजेश पिता मांगेलाल कौर दोनों ही निवासी पिपलिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उस सब की शनाख्त की गई थी। सब दिलीप अग्रवाल 40 वर्ष का निकला, बहुत कुछ इसमें कनेक्टेड नहीं हो पा रहा था, अज्ञात था। इसके बाद सब इसकी कनेक्टिविटी को जोड़ा गया, इसके लास्ट कॉल्स वगैरह को देखा गया। चैन सिंह और राजेश दो लोगों ने इससे आखिरी में बात की थी और उनसे फिर पूछताछ की गई। उनसे पूछताछ से पता पड़ा कि उन दोनों ने दिलीप को और उसके साथी असलम को धारदार हथियार से मार के और दिलीप को कुएं में डुबा के और उसको रस्सी से फंदा लगा के उसको उन दोनों की हत्या की। इसमें एक हथियार का जो उपयोग किया था, उस हथियार की बरामद भी हो गई है। जिस बोरे में उन्होंने लपेटा था उसको भी बरामद कर लिया। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, आदम खान आदम में पेश किया जा रहा है। एक अपराध अपना थाना गोपाल असलम का जो डेड बॉडी। विधानसभा चुनाव आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर बड़वानी अपर कलेक्टर ने पलसूद के मतदान बूथों पर आकस्मिक निरीक्षण किया, साथ ही पलसूद के शासकीय अस्पताल व स्कूल का भी निरीक्षण किया। बड़वानी अपर कलेक्टर योगेश बलसा, डिप्टी कलेक्टर धनगर ने आज पलसूद के मतदान बूथों का आकस्मिक निरीक्षण किया, साथ ही उन्होंने पलसूद के शासकीय अस्पताल का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मरीजों से भी चर्चा कर अस्पताल की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इसी के साथ अपर कलेक्टर ने पलसूद की स्कूल का भी निरीक्षण किया, जहाँ कक्षा 9वीं की बालिकाओं ने सवाल जवाब किए। अपर कलेक्टर ने पलसूद CMO विनोद कुमार बारचे को विकलांगों के लिए प्रत्येक बूथों पर रैंप एवं ट्राईसाइकिल, शौचालय एवं पानी की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। बड़वानी से दिलावर खान की रिपोर्ट। उज्जैन में सिटी प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने शहर में पत्रकारों के हित की रक्षा करते हुए 1 नवंबर को सिटी प्रेस क्लब का स्थापना दिवस मनाने की घोषणा की। देवास रोड स्थित प्रेस क्लब में अपात्र व्यक्तियों को संस्था का सदस्य बनाने के विरोध में उज्जैन के जमीनी पत्रकारों ने संस्था का गठन किया। अब सिटी प्रेस क्लब अपने 200 से अधिक पत्रकार साथियों के साथ फ्रीगंज स्थित कार्यालय से संचालित होगा। इसी के साथ दोनों प्रेस क्लब के विलय की खबरों पर भी विराम लग गया। आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में खातेगांव ब्लॉक के आमला, विक्रमपुर, सातल, बरखेड़ी के शासकीय व अशासकीय स्कूलों में मेहंदी, रंगोली एवं पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली विद्यार्थियों सहित ग्राम की महिलाओं ने भाग लिया, जहाँ DPC राजेश सूर्यवंशी ने छात्रों को पुरस्कृत कर प्रमाण पत्र वितरित किए एवं ग्रामीणों को अपने मताधिकार का उपयोग करने और अन्य लोगों को भी प्रेरित करने के लिए कहा। वहीं मतदाता जागरूकता अभियान के इस कार्यक्रम में मतदान केंद्रों की रंगोली के माध्यम से आकर्षण साज सज्जा की गई। इस दौरान BAC गंगा प्रसाद मालवीय, जन शिक्षक बनवारी पंचोली, सुभाष शर्मा, योगेंद्र राजपूत, दर्पण पांडे सहित BLO व ग्रामीण मौजूद थे। न्यूज एक्सप्रेस के लिए आमला से राकेश अजमेरा की रिपोर्ट। कराना था पर ऐसा संभव हो न सका,
तो इसीलिए जो 7 दिन से अधिक समय हो गया है सिटी प्रेस क्लब की कार्रवाई हमने रोक के रखी थी, विलय की प्रक्रिया अधूरी रह गई, अविश्वास फैल गया है, तो इसके फलस्वरूप अब सिटी प्रेस क्लब वापस निरंतर अपनी गतिविधि शुरू कर रहा है। पत्रकारों की भावना है कि सिटी प्रेस क्लब पूर्वतः हमारी संस्था जो है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस और पत्रकार हित की गतिविधियां सुचारू रूप से चालू रखे, तो उसी सभी पत्रकार भाइयों का सम्मान है और पूर्वतः गतिविधियां सिटी प्रेस क्लब की शुरू हो जाएगी। भ्रम की स्थिति इसलिए निर्मित हो गई क्योंकि सिटी प्रेस क्लब सशक्त पत्रकारों के साथ के जो है 7 दिन के अंदर गैर पत्रकारों को हटा के एक नई सूची जारी होगी, लेकिन आज 28 दिन हो चुके हैं और इस संबंध में प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने AGM को किया हुआ कोई वादा अभी तक निभाया नहीं। हमसे हमारे साथियों ने और इस तरह की बातें आई कि हम लोगों ने उनकी बात पे विश्वास क्यों किया, क्यों माना, तो भगवान राम पर भी उंगलियां उठी है कि उन्होंने सीता जी पर अविश्वास क्यों किया था और सभी को इस दौर से गुजरना पड़ा। आज इस बैठक में सभी पदाधिकारियों ने, सभी साथियों ने ये निर्णय लिया एक मत से। जहां शासन एक ओर बिजली, पानी, सड़क आदि की सुविधाओं को देने के बड़े बड़े दावे करता है, वहीं दूसरी ओर स्कूली विद्यार्थी पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। विगत एक वर्ष से प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। यह मामला ग्राम पंचायत मोटा केवड़ी के अंतर्गत आने वाले ग्राम उमर सिंगी का है। यहाँ पर पूर्व में लगाए गए हेडपंप विगत एक वर्ष से खराब है, जिसकी शिकायत PHE विभाग के कर्मचारियों को कई बार लिखित में विद्यालय के अध्यापक राजेश मालवीय द्वारा की जा चुकी है, लेकिन प्रशासन के कर्मचारियों ने यहाँ पर ध्यान देना उचित नहीं समझा। जब इस संबंध में हमारे संवाददाता ने मौके पर जाकर हेडपंप का निरीक्षण किया तो एक हेडपंप बंद मिला, जो दूसरे पर कुछ व्यक्तियों द्वारा मोटर पंप डाल के कब्जा कर लिया गया। पोलाकला से मुकेश शर्मा की रिपोर्ट। और वहाँ के जो अधिकारी महोदय है, एक मैडम है, मैंने उनको अवगत करवा दिया था कि मैम ये हैंडपम्प खराब है और उसके कारण पीने के पानी की काफ़ी समस्या आ रही है। बच्चे बेचारे पीने के पानी के लिए जद्दोजहद करते हैं, भटकते हैं और परेशान होते रहते हैं। और इसके बाद वो आई भी थी और आने के बाद उन्होंने कहा था कि सर मैं बहुत जल्दी इसका टेंडर पास करवा के ये हैंडपम्प ठीक करवा दूँगी, लेकिन एक सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन एक सप्ताह तो छोड़ो, आज अक्टूबर एंड हो गया है, इसके बाद आज तक ना कोई मैकेनिक आया, ना कोई उनको बार बार फोन लगाने के बाद सूचना ली जाती तो ना कोई जानकारी प्रेषित करती है, ना कोई जानकारी बताती है। तो इस संबंध में हमने पुनः एक बार और आवेदन लिख के दिया था तो उन्होंने आश्वासन दिया था, अगस्त महीने में एक बार और आई थी कि कहा था कि ठीक है सर हम इसको ठीक करवाएंगे, लेकिन आज तक हैंडपम्प ठीक नहीं हुआ है और समस्या जस की तस बनी हुई है। पीने के पानी की समस्या गंभीर बनी हुई है, बच्चे पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, जिसके कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है और हम भी प्रयास में हैं कि हैंडपम्प जल्दी ठीक हो जाए तो बच्चों की समस्या से निजात मिल जाए और बच्चों को पानी व्यवस्थित पीने के लिए मिल जाए। लायंस क्लब गंज वासुदा के तत्वाधान में नवाकोर विद्यापीठ माध्यमिक उच्चतर विद्यालय स्कूल में पीस पोस्टर पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें नगर के अनेक विद्यालय परिवार के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। लायंस क्लब के अध्यक्ष लायंस स्वदेश छाबड़ा ने बताया कि ये प्रतियोगिता इंटरनेशनल क्लब द्वारा 1988 से निरंतर आयोजित की जा रही है। पेंटिंग का विषय काइंडनेस मैटर है। प्रतियोगिता प्राचार्य शैलेंद्र दीक्षित के आतिथ्य में हुई। इस अवसर पर क्लब के सचिव नीलम रघुवंशी, विनीता गोयल, ज्योति शर्मा सहित अनेक सदस्य मौजूद रही। प्रतियोगिता में 70 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में सभी बच्चों को प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह दिए गए और प्रथम, द्वितीय और तृतीय बच्चों को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्कूली बच्चे एवं उनके अभिभावक विशेष रूप से मौजूद रहे। न्यूज एक्सप्रेस के लिए गंज वासुदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट। मतदाता जागरूकता अभियान और मतदान प्रचार प्रसार को लेकर निर्वाचन आयोग ने नगर के नर्मदा तट पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। प्रतियोगिता में 10 से अधिक शासकीय व गैर शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थियों ने भाग लेते हुए कलाकृति के साथ रंगोली मेहंदी बनाकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। प्रतियोगिता स्थल पर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया, जिस पर कई पर्यटकों ने फोटो खिंचवाते हुए मतदान का संदेश दिया। इस अवसर पर निर्वाचन अधिकारी रजावत, अधिकारी दामोदर नागर, कार्यक्रम प्रभारी आशा भंडारी के साथ निर्वाचन कार्य में कार्यरत कर्मचारी अधिकारीगण उपस्थित थे। न्यूज एक्सप्रेस के लिए महेश्वर से कृष्णलाल विश्वकर्मा की रिपोर्ट। प्रेरणा हमें जो उससे मिली है, जो चुनाव में जैसे लोग बांटते हैं औरतों को साड़ी, कंबल, जो भी चीज़ें बांटते हैं, नोट भी बांटते हैं, उन्हें वोट नहीं देना चाहिए, ये सब चीज़ें गलत है, इसलिए अपनी मर्जी से वोट दीजिए, सही इंसान को वोट दीजिए।
सीधी जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र पिपराई में आवागमन की आज बड़ी समस्या है। यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र तो बना दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कौन अधिकारी पदस्थ है आज तक किसी को पता नहीं। आपको बता दें कि कुशमी ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पिपराई में प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य केंद्र लाखों रुपए की लागत से बनाया गया। यह ग्रामीणों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग के कौन कर्मचारी यहां पर पदस्थ थे आज तक किसी को मालूम नहीं है, और ना ही वर्षों से बने स्वास्थ्य केंद्र के भवन का ताला खुला है। न्यूज एक्सप्रेस से राकेश सिंह की रिपोर्ट। स्वामी विवेकानंद स्कूल खातेगांव में विधिक सेवा समिति द्वारा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विद्यार्थियों को विधिक के संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई और विद्यार्थियों की जिज्ञासा शांत की। इसके साथ ही मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत आयोजित रंगोली प्रतियोगिता बनाई गई। रंगोली की भी अवलोकन किया और श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। शिविर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश और अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति खातेगांव मनोज तिवारी व व्यवहार न्यायाधीश वर्ग एक चंदन सिंह चौहान उपस्थित थे। इस दौरान कार्यक्रम में संस्था प्राचार्य श्री राजेंद्र चौबे एवं समस्त स्टाफ उपस्थित थे। आभार संस्था प्राचार्य द्वारा व्यक्त किया गया। खातेगांव से न्यूज एक्सप्रेस के लिए प्रवीण गंगराड़े की रिपोर्ट। सीधी जिले के चुरट थाने की पुलिस ने बाल मजदूरों की तस्करी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 4 बाल श्रमिक भी बरामद किए गए। पुलिस ने पूछताछ के बाद बच्चों को परिजनों के हवाले किया। थाना प्रभारी मोनिका सिंह ने बताया कि शशिपाल सिंह, मूला सिंह व परमवीर निवासी उत्तर प्रदेश बिजनौर तथा नोखेलाल सिंह सीधी जिले के एठी बारी गांव का निवासी है। यह लोग बच्चों को मोबाइल का प्रलोभन देकर घर ले जाते थे और बाद में यूपी गुजरात सहित विभिन्न महानगरों में दलालों को भेज देते थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। न्यूज एक्सप्रेस के लिए परसीली मझोली से अंकित कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का एक लड़का जी, 4 लोग आरोपी हैं जिसमें परमवीर सिंह है और मूला सिंह और शशिपाल, ये 3 उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो यहाँ से आते हैं और छोटे छोटे बच्चों को वहाँ से वहाँ लेकर जाते हैं और वहाँ पर बाल मजदूरी हुई। मैडम वहाँ पे कितने बच्चे उनके उसमें पकड़ गए आपकी कार्रवाई में? अभी जो बच्चे हमें मिले हैं वो 4 बच्चे यहाँ पर इन लोगों की हम लोग उनको परिवार को सुपुर्द किया। उनको सुपुर्द कर दिया गया। अभी क्या कार्रवाई कर रही है? अभी आगे कार्रवाई चल रही है, केस दर्ज कर किया जा चुका है। लोगों को गिरफ्तार करके न्यायालय पेश करेंगे और फिर आगे भी पूछताछ जारी है कि हो सकता है कोई और बड़ा गिरोह के पीछे हो तो आगे और गिरोह के बारे में जानकारी। अलीराजपुर जिले के करीबी जिले जाबुआ में 29 अक्टूबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सभा का आयोजन होने वाला है। इसी की तैयारी में जाबुआ जिला पंचायत अध्यक्ष कलावती भूरिया, जो जोबट विधानसभा की प्रबल दावेदार भी है, जिले के जोबट विधानसभा से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जाबुआ ले जाने की तैयारी में जुटी है। इसी के तहत कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली। इसी कड़ी में उदयगढ़ ब्लॉक में बोरजाड़ में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं ने अधिक से अधिक झाबुआ में होने वाली राहुल गांधी की सभा में पहुंचने का आह्वान किया। हमारे संवाददाता ने उनसे टिकट के संबंध में जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि मुझे टिकट जहां से भी पार्टी देगी मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन अभी मैं राहुल जी की सभा की तैयारी के लिए आई हूं। अलीराजपुर से न्यूज एक्सप्रेस के लिए असलम मकरानी की रिपोर्ट। हमारे राष्ट्रीय नेता सम्मान्य राहुल गांधी जी झाबुआ पधार रहे हैं, उसको लेकर आज अम्बा पट्टी के सेक्टर के पूरे अलीराजपुर क्षेत्र जोबट से लगेला उदयगढ़ से लगेले पूरे कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी गई है और हजारों की संख्या में झाबुआ पहुँचने के लिए सबसे हम आह्वान किया है। और मुझे आशा और उम्मीद है कि बीजेपी के खिलाफ हर गांव में। शहडोल जिले के थाना अमलाई के रुमटा कॉलोनी से स्कूल जा रही कक्षा 8वीं की छात्रा के साथ दुराचार किया गया। रुमटा निवासी थाना अमलाई की महिला ने आरोपी रामकिशन उर्फ पिंटू पाठक, पिता कैलाश पाठक, निवासी रुमटा कलारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट में महिला ने बताया कि आरोपी ने उसकी बच्ची को बहला फुसला कर दुराचार किया। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना अमलाई ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया है। सिरोंज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लूट करने वाले आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। आरोपी विगत 1 साल से फरार था, जिस पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। ग्राम पंचायत खजूरन वासियों ने अपनी समस्याओं को लेकर फैसला लिया कि विधानसभा चुनाव 2018 का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि 25 वर्षों से जो भी विधायक बन रहा है वह खजूरन ग्राम पंचायत की ओर ध्यान नहीं देता। महूगंज विधानसभा क्षेत्र में खजूरन के निवासियों ने हमारे संवाददाता से चर्चा करते हुए बताया
कि ग्राम पंचायत से मुख्य मार्ग तक पहुंचने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है और बारिश के दिनों में तो स्थिति और भी दयनीय हो जाती है। ऐसे में भला हम इन नेताओं को कैसे वोट दें? अगर कोई ऐसा प्रत्याशी आता है तो हमारे ग्राम पंचायत तक रोड का निर्माण कराने के लिए दृढ़ संकल्प लेता है तो हमारी पूरी ग्राम पंचायत एकजुट होकर उस प्रत्याशी को वोट करेगी, अन्यथा हम सब ग्रामवासी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का अंतिम फैसला लेंगे। करवा चौथ के दिन भर निर्जला रहने के बाद सुहागन महिलाओं ने अपने पति के हाथों व्रत खोला और विधि विधान से पूजन अर्चन कर पति की लंबी उम्र की कामना भी की। रात्रि के 8 बजे से ही सुहागन महिलाएं छत पर चढ़कर चांद को निहारने लगी। जैसे ही चांद दिखाई दिया वैसे ही महिलाएं छलनी दिए करवे में जल सहित पूजन की सामग्री लेकर छत पर पहुंची और दिन भर निर्जल रहने के बाद चांद के दर्शन होते ही सुहागनों ने चंद्रमा की परछाई में पति का चेहरा देखा और पूजन करते हुए पति के हाथ से पानी पीकर व्रत को तोड़ा। सुहागन महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन आगर जिले में हुई एक दुर्घटना में करवा चौथ के दिन ही एक मांग का सिंदूर मिट गया। आगर मालवा जिले के सुसनेर में एडीजे कोर्ट के भृत्य देवेंद्र त्रिपाठी अपने साथी कर्मचारी के साथ विभागीय डाक देने आगर जा रहे थे, तभी इनकी बाइक को आगर सुसनेर के बीच ग्राम आमला के समीप एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में देवेंद्र की मौत हो गई जबकि साथी कर्मचारी गंभीर घायल हो गया जिसे उपचार के लिए उज्जैन पहुंचाया गया। सिरोंज में खाद्य विभाग की टीम ने कार्यवाही शुरू की और मिठाइयां व अन्य खाद्य पदार्थों की दुकानों पर जांच की। दीपावली के त्योहार करीब आते ही मिठाइयों की दुकान पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। नायब तहसीलदार सिद्ध सिंह दांगी, फूड अधिकारी राकेश शुक्ला, जिला खाद्य अधिकारी जगदीश विश्वकर्मा ने नगर की मिठाई की दुकानों पर पहुंचकर जांच के लिए मिठाई के सैंपल दिए। दिवाली के त्योहार पर आए दिन दुकानदार नकली मावे की मिलावट कर मिठाई बनाते हैं जिस पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए दुकानों को हिदायत में दी। आने वाले त्योहारों के मद्देनजर माननीय SDM श्री विवेक कुमार जी के आदेश से 3 सदस्यीय दल का गठन किया गया है। इसमें श्री शुक्ला जी सहायक खाद्य अधिकारी, एक खाद्य विश्लेषक और एक नायब तहसीलदार के साथ में ये जो टीम है ये सिरोंज के विभिन्न दुकानों पर जाकर के फूड सैंपल इकट्ठा कर रही है और हम ये जांच कर रहे हैं कि किसी प्रकार की मिलावट या किसी प्रकार की अन्य दूषित गतिविधियाँ तो नहीं चल रही है जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर कोई फर्क पड़े। तो इसलिए आज हम सिरोंज में अभी तक लगभग 10 दुकानों का परीक्षण कर चुके हैं। आगे 3-4 दिनों तक ये परीक्षण लगातार चल जारी रहेगा ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी व्यक्ति को बख्शा ना जाए और सही खाद्य पदार्थ उचित मात्रा में। सैलाना में सुहागन महिलाओं ने निर्जला रहकर अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। महिलाओं ने हाथ में मेहंदी लगवाई, बाजार में खरीदारी की और ब्यूटी पार्लर में अपना रूप निखारने में व्यस्त रही। शाम को चांद को छलनी में देखकर पूजा कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करने के बाद पति की पूजा कर पति के हाथ से पानी पीकर व्रत पूरा किया। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं, हर लाइव का मतलब तमाशा नहीं, खबर का मतलब भरोसा। आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी है। तेलंगाना का पहला हिंदी न्यूज चैनल द न्यूज इंडिया।